आस्था के महापर्व मकर संक्रांति खिचड़ी के मेले में यातायात व्यवस्था सुगम व सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में यातायात से संबंधित समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात ने मौजूद सभी कर्मचारियों व अधिकारियों से कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ शिष्टाचार का बर्ताव रखते हुए उनके वाहनों के निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा कर खिचड़ी चढ़ाने के लिए गोरखनाथ मंदिर की तरफ भेजने का कार्य किया जाए। खिचड़ी मेले के दृष्टिगत 13 से 3 दिन तक गोरखनाथ मंदिर की तरफ जाने वाले रास्तों का रूट डायवर्जन 15 जनवरी रात्रि 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। खिचड़ी मेले के बाहर जो जोन 4 जहां ट्रैफिक अरेंजमेंट है, जहां पर पार्किंग है, डायवर्जन और पार्किंग के दौरान उनसे हमसे श्रद्धालुओं की भाषा में ही बात करनी है। बहुत ही सौम्य और मधुर भाषा हो या ना हो, हमें अपना काम ताकि कराना है। हमारा उद्देश्य है वो गाड़ी पार्किंग करें, पार्किंग को नहीं है। और आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वैसे भी ट्रैफिक पोस्ट करने वाले ट्रैफिक पुलिस में इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने बताया। उसे गुरु गोरखनाथ मंदिर इस पावन स्थली पर 3 दिवसीय खिचड़ी मेला प्रारंभ हो रहा है। इसमें बिहार, पूर्वांचल एवं नेपाल से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सभी श्रद्धालुओं के लिए आवागमन में कोई परेशानी ना हो, नागरिकों को कोई परेशानी ना हो, उनके लिए बेहतर और सुगम यातायात व्यवस्था दी जा सके, इस संबंध में सभी कर्मचारियों के लिए उनके ड्यूटी पॉइंट के बारे में बताया गया कि बैरियर कहां कहां बैरियर रहेंगे, कहां कहां से डायवर्जन रहेगा, बैरियर और डायवर्जन पे उनकी क्या ड्यूटी रहेगी। और सभी को बताया गया कि आने वाले श्रद्धालुओं से, आम नागरिकों से, सभी से बढ़िया